नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए, ये पतंग नुमा खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। यदि ये 17 मीटर है तो ये भी 17 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। इसको नाम दे दीजिए ए बिंदु, बी, सी और ए डी बिंदु। और इस भुजा का लंबाई 10 मीटर और इस भुजा का भी लंबाई 10 मीटर है। ये पतंग नुमा प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जो है यहाँ से माप कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ से मापिए, ए बिंदु से सी बिंदु तक माप लीजिए। इसका माप यदि 16 मीटर है, 16 मीटर, तो आप यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकाल सकते हैं। देख लीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से भी आप जो है एक रेखा बना लीजिए इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे, ये जो है इस प्रकार से, या तो प्लॉट है तो डायरेक्ट माप सकते हैं। अब ये जो है केंद्र बिंदु है, ये ओ बिंदु, यहाँ से सी तक का लंबाई 8 मीटर होगा और ओ से ए तक का लंबाई 8 मीटर होगा। टेप से इस तरह माप लीजिए इस प्रकार से। और आप जो है बी से ओ तक का लंबाई कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ए है सी भुजा, ये बी भुजा है और ये ए भुजा है, ठीक। ए बराबर 8 और सी बराबर 10 है, तो सूत्र है यहाँ पर सी वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग है। ए वर्ग सी वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग, तो हम सी का मान यहाँ पर 10 वर्ग होगा और बराबर ए का मान यहाँ 8 है, 8 का वर्ग प्लस बी वर्ग। 10 का वर्ग कर दीजिए 10 दहम 100, 8 का वर्ग कर दीजिए 8 अठैया 64 प्लस बी वर्ग, तो 100 माइनस 64 को इधर ले आइए, माइनस हो जाता है, माइनस प्लस सॉरी बराबर होगा, बराबर बी वर्ग। तो यहाँ पर 100 में 64 घटाएंगे 36 बराबर बी वर्ग है, तो बी बराबर होगा अंडर रूट 36। ये वर्ग बी का मान सिर्फ निकालेंगे, वर्ग है इसलिए अंडर रूट 36 होगा। 36 रूट का अंडर रूट निकाल लीजिए, 6 छक 36 होता है 6। तो यहाँ पर ये 6 मीटर होगा, बी से ओ तक का लंबाई 6 मीटर। इसी तरह ओ से डी तक का लंबाई निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए कैसे निकालेंगे। इसी तरह सी वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग। ए है सी भुजा, बी भुजा, ये तो ए भुजा है ही, नाम दिया गया है, तो सी का मान 17 का वर्ग और बराबर 8 का वर्ग होगा प्लस बी का वर्ग। 17 गुणे 17 कर दीजिए 289 मीटर होगा, 8 अठैया 64 होगा प्लस बी वर्ग होगा, बी का वर्ग है, 289 ऋण 64 होगा। 64 को बराबर सीधा लाएंगे, माइनस हो जाता है, बराबर होगा बी वर्ग। अब इसको घटा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये देखिए इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ होता है ये 289 ऋण 64 225 होगा, 225 बराबर बी वर्ग होगा, तो बी बराबर होगा अंडर रूट 225। अंडर रूट इसका निकाल लीजिए 15 होगा, 15 मीटर। यहाँ पर इसका मान ये जो है ये 15 मीटर होगा, 15 मीटर इस प्रकार से। अब देख लीजिए यहाँ से ये डी तक और ये जो है बी बिंदु तक कितना होगा, ये 15 धन 6 21 मीटर होगा, ये 21 मीटर, ये पूरा 21 होगा। इसका नाम दे दीजिए डी टू, डी टू बराबर
21 मीटर, और ये देख ले, ए बिंदु से सी बिंदु तक ये जो है D1 है, तो D1 बराबर ये 8 8 16 मीटर मापे हैं इस प्रकार से। अब जो है इसको सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2। एरिया बराबर 1/2 गुड़े 16 गुड़े 21 मीटर। D2 बराबर कितना है? 21, 2 8 16, 8 गुड़ा 21, तो 21 8 168 वर्ग मीटर, बराबर 168 वर्ग मीटर होगा। ये प्लाट जो है त्रिभुज नुमा है, कितना है? 168 वर्ग मीटर। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।